यू आर वॉचिंग राइड विद देव ऑन यूट्यूब। तो आज हमारे सामने खड़ी हुई है महिंद्रा की XUV 300 जो कि एक XUV 500 से इंस्पायर है। ये गाड़ी टिवोली के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, मतलब टिवोली बेस्ड गाड़ी है ये। अब मैं आपको इस गाड़ी के बारे में पूरा डिटेल में, ये BS6 पेट्रोल XUV 300 कार है, तो इसके बारे में पूरा मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसकी की के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, इसकी जो की है वो कुछ इस तरीके से देखने में है, मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूँगा, तो आपको की इसकी समझ में आ गई होगी। देखो भाई, अब की के फीचर्स मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसमें ये आपको मिलती है पुश वाला, जो आपकी की निकल के आती है ना। देखो भाई, आपकी की निकलाइए, इससे ही आप गाड़ी लॉक और ये अनलॉक, और ये आपका बर्जन वाला है जो कि आपकी गाड़ी कहीं भी खड़ी है और आपको पार्किंग में ढूंढने में आसानी रहेगी। तो अभी मैं आपको सब करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के अब क्रोम के बारे में। तो सबसे पहले हम क्रोम, फ्रंट में आपको क्रोम मिलता है और महिंद्रा की बैजिंग मिलती है, ठीक है। आपको फोकस अच्छे से हो पा रहा होगा, महिंद्रा की बैजिंग मिली हुई है। ये आपको बहुत ही प्रीमियम, जो कि गाड़ी को एक इनहेंस लुक देते हैं। उसके नीचे हम बात कर लेते हैं इसके एयर कटिंग में, जो कि आपका रेडिएटर एसी का फ्लो बना रहता है गाड़ी को हीट और कूल करने में। ये XUV 300, इसके फॉग लैंप की बात करते हैं। ये हैं आपके हेडलैम्प जो कि प्रोजेक्टर हैं, LED वाइट। फोकस हो पा रहा है, बढ़िया सा फोकस मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और ये है इसमें डे लाइट रनिंग लैंप्स, जो कि पूरा ऐसे करके यहाँ तक दिया हुआ है कंपनी ने, जो कि डे में बहुत अच्छा लुक देता है, नाइट में तो लगता ही है। नाइट में आपका ये सारा जलेगा, दिन में केवल आपके ये वर्क करेंगे रनिंग लैंप्स, और बहुत ही बढ़िया ये आपका लुक देते हैं। इनसे गाड़ी को कोई भी आता है, बहुत ही अच्छा लुक देता है। अब मैं नीचे की तरफ बात कर लेता हूँ। तो इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट दिया जा रहा है महिंद्रा XUV 300 में फ्रंट पार्किंग सेंसर, जो कि आपको गाड़ी बैक करने में असिस्ट करते हैं। पीछे तो सेंसर है ही, इसमें आगे भी दिए जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, आगे भी कुछ हमें आइडिया मिल नहीं पाता है, जो कि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सेम लुक यहाँ पर है, आप गाड़ी का पूरा प्रोफाइलिंग चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइलिंग के बारे में। इसमें डायमंड कट एलॉय व्हील हैं, प्रोफाइलिंग बहुत ही अच्छी लग रही है आपको। ये 17 नंबर का एलॉय है, डायमंड कट एलॉय से हम बोलते हैं। हाँ जी, इसमें चारों टायर में डिस्क ब्रेक हैं, आपने बिल्कुल सही सुना, चारों टायर में डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं इसमें आपको। और आपको मैं नंबर चेक कराता हूँ, 215/55R17, ठीक है। ये मतलब टायर साइज है और एलॉय व्हील 17 इंच का है आपका। और आप भाई लुक चेक करो, डायमंड कट में इसके एलॉय व्हील हैं। आप गाड़ी की प्रोफाइलिंग देखिएगा, एकदम मतलब कि इन एलॉय के मारे, और जो इसका ड्यूअल टोन में दिया गया है ब्लैक वाइट और फिर से ब्लैक, जो कि गाड़ी को एक बहुत ही अच्छा लुक बनाता है। और आपको सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ तो आपको, मतलब आपको उधर तो मिलती है कीलेस एंट्री, आपको यहाँ से भी ऑप्शन है। आप अपनी गाड़ी में देखिए, ये बटन दे रखा है ना, ये कीलेस एंट्री का आप लोग जानते हैं, आपको यहाँ से भी मिलता है। और ये गाड़ी मैंने दबाई और देखो लाइट जली और ये आपकी ओपन हो गई, ठीक है भाई। इंटीरियर कुछ देखने में ऐसा है, बात करेंगे इंटीरियर की भी बहुत जल्दी, पहले मैं गाड़ी का आपको पूरा रिव्यू दे देता हूँ। मैं अभी महिंद्रा के शोरूम में खड़ा हुआ हूँ और आपको मैं पूरा रिव्यू दे देता हूँ। गाड़ी के पीछे बोर्ड लगा हुआ है XUV 300, पीछे लिखा है लिफ्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द न्यू XUV 300। तो ठीक है भाई, मैंने आपके लिए पीछे करवाया है ये बोर्ड जो है, पीछे करवा के पूरा उस बोर्ड को चेक कर लो। बात कर रहे हैं हम गाड़ी की ना कि बोर्ड की, तो आते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइलिंग के लिए। देखो भाई, गाड़ी कितनी ज़बरदस्त और एक लुक आ रहा है पीछे से। हाँ भाई, कोई हम SUV ड्राइव कर रहे हैं, भले ही सेडान जैसी है, 5-सीटर कार है, बट लुक इसका बहुत ही मस्त आता है। अब आप इसकी बीच में बैजिंग मिल जाती है महिंद्रा की, रियर वाइपर्स मिलते हैं आपको, जो कि डिफॉगर्स भी इसमें अवेलेबल हैं। ये आपको फॉग में कभी भी आपकी पानी भरती है तो आपको ये हेल्प करते हैं। मेरा फोकस हो पा रहा है बढ़िया सा, तो आप चेक कर सकते हैं। और जो महिंद्रा की चलती है लिव यंग लिव फ्री, एक बैजिंग मिलती है जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी चलाने का। इसमें मिल रहा है W8 टॉप एंड मॉडल है। तो मेरे संग सर जुड़े हुए हैं, तो सर, सर आपका नाम क्या है? सर केवल चौहान नाम है मेरा नाम जी। सर ये आपकी जो गाड़ी है, आपकी W8 ऑप्शनल गाड़ी है, टॉप वेरिएंट है। इसमें जो जो आपको फीचर्स मिलेंगे, वो आपको फीचर्स मिलेंगे इस गाड़ी में, खास बात बना चाहता हूँ, ये टिवोली के प्लेटफॉर्म पर लेट गया पूरी गाड़ी। सबसे खास फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में नहीं आते, कुछ फीचर्स है इसकी गाड़ी के। अच्छा, इसमें चारों पहियों में ब्रेक मिलेंगे, चारों टायर में डिस्क ब्रेक है। पहली बात भाई, पहली बात है चारों पहियों में आपको डिस्क ब्रेक जी जी, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलेंगे, फ्रंट पार्किंग सेंसर है। हाँ, दूसरी भाई, सात एयरबैग मिलेंगे आपको। हाँ, और सनरूफ मिलेगा आपको इसमें, सनरूफ नंबर का एलओ मिलेगा डायमंड कट के साथ।
जी ये आपको नीचे मिलता जी। आफ्टर मार्केटिंग एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, वो है रिफ्लेक्टिंग का ऑप्शन। अगर आप चाहते हो तो आफ्टर मार्केट में भी इसका बहुत अच्छा फिक्स आ चुका है, आप इसमें रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टर्स के लिए जा सकते हैं। और पीछे मैंने बताया था इसमें पार्किंग सेंसर है जो कि आपको बैक करने में असिस्ट करेंगे गाड़ी के अंदर। आपको गाड़ी का मैं नीचे एग्जॉस्ट भी दिखा देता हूँ, आपको देखने में कुछ इस तरीके से है, फोकस हो रहा होगा सर, ठीक है। ये आपका सिंगल पीछे आपको एग्जॉस्ट मिलता है और पीछे आपको नीचे ही इसकी स्टेपनी मिलेगी। ग्राउंड क्लीयरेंस और हाइट वेट के बारे में मैं आपका बात करूंगा अभी। और ये जो लाइट है ये आपको केवल ऐसे नहीं है केवल ये मिलती हो आधी, इस पूरी आपको लाइट मिलेगी। मैं थोड़ी सर की हेल्प लेना चाहूँगा यहाँ पर, सर जरा मुझे लाइट के बारे में और थोड़ा बताएं जो कंपनी ने दिया है। अच्छा दिखा सकते हैं तो सर आप प्लीज जरा दिखाइए। तो सर आपके लिए लाइट को जला के दिखा रहे हैं जो कि पूरी मैंने बताया ना आपको, ये देखिए भाई मतलब आंखों में चुभ ही नहीं सकती है, देखने में इतनी मस्त लग रही है। मैं आपके लिए पूरा फोकस कर देता हूँ और क्या लुक आ रहा है भाई साहब, बताइए सर आप इसमें जो बता रहे थे आप अभी। कोयला जो गर्म होता है बिल्कुल, हाँ 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 सही कहा बिल्कुल। अब सर आप प्लीज़ इसमें जो रिवर्स गियर भी लगाया है ये आके पूरा लाइटिंग का सिस्टम जो है, मैं पीछे चला जाता हूँ थोड़ा ऑडियंस के लिए, अपनी जितनी भी लाइटें हैं इसकी सब पीछे की जला दो आप और लुक देख लीजिए आप लोग, लुक चेकआउट करो भाई। ये आपके पार्किंग फ्री भी ऑन हो गए, रिवर्स गियर लग गया है, गाड़ी स्टार्ट करिए सर ने आपके लिए, देख लो भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं वो। और कुछ नहीं, आप लोगों को गाड़ी बस समझ में आनी चाहिए, वास्तव में ये गाड़ी एक नंबर की है, बहुत ही बढ़िया। सर थोड़ा ब्रेक मारिए आप, सर ब्रेक 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 दबाओ और छोड़ो, तो भाई ये सर ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक मारोगे ना तो आपकी ये ब्लिंक होती हुई दिखेगी, देखो सर ये ब्रेक मारने पे होती है केवल, बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा गाड़ी का। अब ये साइड प्रोफाइलिंग है तो गाड़ी ऊपर से आपको देखने में कुछ ऐसे है, ये आपका शार्प फिन एंटीना हो गया, ये आपकी रूफ रेल्स हो गए जो कि पकड़ने में और आपकी गाड़ी को लुक देने में बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। सर से कहूँगा सर आप बाहर आ जाइए गाड़ी के आराम से। तो अब बात करते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, तो सबसे पहले तो मैंने बताया ये आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन है, ये आपने दबाया गाड़ी आपकी लॉक हो गई, ये दबाई ये आपकी गाड़ी ओपन हो गई। और गाड़ी को मतलब इसकी जो वेट है ना डोर का, मतलब कि आप चेकआउट करोगे देखो देखो मतलब इतने हल्के हाथ से नहीं जाएगा, भारी है, मतलब बहुत अच्छी बॉडी की बनाई हुई ये गाड़ी है, ठीक है। अब इसके डोर पैनल की बात मैं करता हूँ, इसमें आपको सॉफ्ट टच यहाँ पे हैंड रेस्ट के लिए दिया जाता है जिससे कि आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो आराम से अपना हाथ रख सकते हैं, देखो भाई दब रही है ना ये आपके हैंड रेस्ट के लिए, बहुत आराम से आप इसे कर सकते हैं। इसमें आपको ये मिले हुए हैंगे स्पीकर्स, ये आपको क्रोम हैंडलिंग मिलेगी, बहुत ही प्यारी फिनिश में देख लो क्रोम हैंडल्स हैं जो कि आपको उतरने में, और ये लॉकिंग का है, ये आपकी गाड़ी होगी अंदर से लॉक, ये हो गई आपकी गाड़ी अनलॉक, ठीक है भाई ये आपको हेल्प करेंगे। तो बहुत ही अच्छा ये बेज कलर में आपको पूरी गाड़ी का इंटीरियर देखने में मिलेगा, ये पूरी गाड़ी का बेज कलर में आपको इंटीरियर मिल रहा है, बेज और ब्लैक में इसका कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। अब बात करते हैं हम थोड़ी गाड़ी के अंदर बैठने की, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ये है आपका ऑटो, केवल यही वाला मिरर ऑटोमेटिक नीचे जाएगा और ऊपर आएगा, और ये आपके सारे विंडो पावर कंट्रोलिंग है, ये आपको असिस्ट करेगा, ऑटो लॉक है, देखो आप मैं इसे दबा रहा हूँ और वो हिल रहा है, ऑटो लॉकिंग गाड़ी का सिस्टम है। और ये मिरर का है जो बच्चे बैठ जाते हैं ना तो उतार देते हैं, आपके मना करते हो मानते नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा महिंद्रा ने निकाला हुआ है जो कि ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आता है, बट ये महिंद्रा ने भी दिया है, तो ये सब हम सब भाई इसके लिए करना पड़ेगा आपको। अब गाड़ी के एडजस्टेबल की बात कर लेते हैं, ये मिलती है आपको, सबसे पहले तो पीछे करके दिखाता हूँ, ये आपको यहाँ से गाड़ी पीछे हो जाएगी, पीछे हो जाएगी और ये आपकी आगे करेगा। अब थोड़ा मैं पन्नी को उठाऊंगा, और ये आपको आपके हाइट का मिलता है, आपकी हाइट देखो भाई ऊपर जा रही है सीट, हाइट के आपसे एडजस्ट कर लो, और ये आपके पीछे इसमें बहुत ही अच्छा इसमें टच दे रखा है गाड़ी का, आपको सॉफ्टनेस मिल आपके लिए। मैं पन्नी हटा रहा हूँ, चेक कर सकते हो बिल्कुल ही आराम से, कुशनिंग है, बहुत कम्फर्टेबल है, आइवरी स्ट्रेच मिलता है जो कि आपको इस सेगमेंट में आदमी मांगता ही मांगता है। हैंड रेस्ट भी गाड़ी में दे रखा है, हैंड रेस्ट को नहीं भूल जाए हम, ये देखो मैंने इधर ही बटन दे रखा है, इसको पुश करा पूरा हैंड रेस्ट खुला, अंदर आपको अच्छा खासा जो कहते हैं ना इसमें स्पेस मिल जाता है, आप इसमें आराम से अपनी एक कैन रख सकते हो। और ये कूलिंग वाला नहीं है भाई, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एडजस्टेबल है कि नहीं, नहीं भाई एडजस्टेबल भी नहीं है, ये आपका हैंड ब्रेक है, ये आपका 6 स्पीड ऑटो नहीं है सही, 6 स्पीड वाला है आपका ये ट्रांजिशन। अब मैं आपके लिए गाड़ी में अंदर बैठने वाला हूँ, तो मैं गाड़ी में अंदर बैठ रहा हूँ,
और डोर को करते हैं क्लोज। गाड़ी को सबसे पहले करते हैं स्टार्ट, क्योंकि भाई आप लोगों की वजह से बहुत ही पसीना आ चुका है। तो पहले गाड़ी को स्टार्ट करने का है, ब्रेक पे पैर ऑटोमेटिक है, मैनुअली गाड़ी है भाई, सॉरी, हाँ मैनुअल गाड़ी, क्लच दबा के सबसे पहले क्लच दबाना है, क्लच दबाया और आपकी ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी भाई पहले चेक कर लो न्यूटन है कि नहीं है, और भाई जो एसी चला है ना, मतलब एसी की आपको आवाज़ भी आ रही होगी। सर मैं क्लच छोड़ सकता हूँ? हाँ, तो क्लच मैंने छोड़ दिया है। और ये गाड़ी की जो आपको मतलब इतना पसीना हो रखा हूँ, मैं आपको भी दिखाऊंगा। और जो गाड़ी में बैठती जो एसी का रिस्पॉन्स है, ये आपकी ऑटो भाई आपकी विंडशील्ड जो दे रखी है ना, एयर कंडीशनिंग कंट्रोल करने वाली, ये जो थोड़ा पियानो शेप में दिया हुआ है, ऊपर नीचे आप कर सकते हो उसे आराम से। अब मैं सर से थोड़ा चाहूँगा, सर आप मेरे व्यूअर्स को ये पूरा इन्फॉर्मेटिव सिस्टम के बारे में समझाएं, तो सर बताइएगा इसके बारे में। एप्पल का आपको दिया है 7 इंच का, आपको एप्पल कार्प्ले सिस्टम दिया हुआ है, म्यूजिक सिस्टम दे रखा है जी। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसमें आपको बैक कैमरा मिलेगा, इसमें हाँ जी अटैच होगा, म्यूजिक सिस्टम है, रेडियो है आपका, और नेविगेशन दे रखा है। नेविगेशन है सर, थोड़ा आप चला के भी दिखाते रहिए मेरे व्यूअर्स को। रेडियो दे रखा है इसमें आपको, ठीक है। आपको कार इन्फॉर्मेशन अगर कुछ चाहिए हो इसमें, जैसे कितना फ्यूल है, कितने किलोमीटर चल सकते हैं, इसमें ट्रांजेक्शन भी दे रहा है। अगर आपके में टायर में कोई भी हवा कम रहती है, जैसे लो लो लिखा हुआ इसमें ओके है। ओके देख लो भाई, देख लो आप, इसमें ओके है, मतलब इस टायर में हवा बिल्कुल ठीक है। ये आपको टायर प्रेशर का भी आपको करता रहता है कि आपकी गाड़ी में मोस्टली हाईवे पे चलते हैं कि कभी कभार हवा कम हो जाती है, हाँ, कुछ ज्यादा होती है तो टायर फट जाता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस जी जी। तो उसमें आपको ये शो करके तुरंत इंडिकेट करके, ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है, इसमें आपको ये शो भी बताएगा कितनी कितनी हवा इसमें ये दे रखा है। अब सर मैं इसके बारे में बात करना, मुझे ऑटोमेटिक लग रहा है, ऑटो डिमिंग है जी जी, ऑटो डिमिंग दे रखा है, ये नाइट के लिए दे रखा होता है, जैसे नाइट में हम लोग जो सफर करते हैं रिफ्लेक्टर को मार के जो पासिंग पास करते हैं ना, तो उसमें आप जैसे ऑटो को बटन दबाएंगे तो आपकी लाइट जल जाएगी, ये देखा होगा, देखो भाई लाइट जल रही है इसमें। तो इसमें क्या होता है, ऑटो डिमिंग की जो लाइट जो पड़ती है पीछे से रिफ्लेक्टर, वो उसकी जो क्वालिटी जो हाई जो पड़ती है वो आंखों पे कम पड़ जाती है रोशनी। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के अंदर, जो कि यार गाड़ी के अंदर ऐसा है ना, बैठने के बाद आदमी मतलब ये सोचेगा हम किस गाड़ी में बैठ गए यार, ये गाड़ी इतनी अट्रैक्टिव है। मैं आपके लिए थोड़ी सीट आगे कर रहा, तो सीट मेरी आगे हो चुकी है, आवाज़ से देख सकते हो। ये आपका RPM मीटर, ये आपका स्पीडोमीटर, ये आपकी RPM शो करेगा, इसमें 8 RPM दे रखी है, और ये आपका दे रखा है 220 की टॉप स्पीड है, मतलब पता नहीं गाड़ी कितनी जाती होगी भाई, मतलब 220 दे रखी है। अभी गाड़ी न्यूटन में है, तो न्यूटन है। अब सर ने देखो वो डोर खोला है, और यहाँ पर शो हो रहा है, देखो आपका अभी शो हो रहा था, बंद करिए सर एक मिनट, आप देखो भाई ये डोर बंद, ठीक है, अब सर खोलिए जरा, देखो आपके लिए खुला, और यहाँ पे शो होने लगा कि ये डोर ओपन हो चुका है। तो यार बहुत ही बढ़िया, मतलब ये आपको चारों दरवाजों का है, अगर आप कोई भी डोर खोलते हो, ठीक है ना, कोई भी डोर अगर आप खोलते हो तो उसमें ये शो करेगा। एक बहुत ही मतलब प्यारा फीचर कह लो, या सेगमेंट में वन इन सेगमेंट कह लो आप यार, मतलब दिखाऊं मैं क्या है, ये स्टेयरिंग सीधा है अपना, ठीक है। अब आप इसमें MID में इसके चेक करना, मैं स्टेयरिंग को देखो घुमा रहा हूँ, देखो क्या लिख के आ रहा है उसमें, आपके लिए जूम कर दूँ मैं, जूम कर दिया, और देखो मतलब जितनी स्टेयरिंग घूम रही है ना, देखो मैंने स्टेयरिंग को काट दिया, ये आपका घूम के आने लगा, ठीक है, और ये स्टेयरिंग हमारी नॉर्मल हो गई, इधर भी चला जा रहा है, आपको इधर दिख रहा होगा, और ये सीधा कर दिया तो सीधा हो गया, मतलब आपको टायर चेक करने की जरूरत नहीं है मेरी स्टेयरिंग किधर है। कभी कभी क्या होता है, ये स्टेयरिंग ऐसे हो गई सीधी है, आदमी सोचता है स्टेयरिंग सीधी है, बट नहीं, देखो मैंने स्टेयरिंग कितनी काट दी है, राइट हो गई है। अब आदमी चला देता है तो कभी एक्सीडेंट के चांस बन जाते हैं, कंपनी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी फीचर दिया है, तो पूरी आपकी देखो सीधी तो सीधी दिखाएगा, और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अब यहाँ पे मिलते हैं आपको वॉल्यूम का बटन, वॉल्यूम बढ़ाना घटाना, कॉलिंग का म्यूट लगा सकते हैं, अगर आपको कभी भी गाना बंद करना है, आपको इसे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी गाड़ी को अपने आराम से चलाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं है। गाड़ी में सर क्रूज मोड भी है सर, तो ये क्रूज मोड सर ऑटोमेटिक वाला है या आपको सेट करना पड़ेगा? सेट का सीट पे जाके आप सेट करेंगे। हाँ जी सर, आपको बता रहे हैं, तो ये क्रूज मोड के बारे में बात हो गई, और मैंने एसी के बारे में आपको बता दिया। यहाँ पे आपको मिलता है, आपको शो हो पा रहा होगा, आपको ये आपके लाइटिंग का, स्टार स्पोर्ट पार्किंग का, और ये आपको मिलता है असिस्ट, जो कि गाड़ी आपको आपको फोकस हो पा रहा है, तो आपको इसे असिस्ट करता है रोड में, जो रोड टेढ़ी मेढ़ी होती है, आपकी गाड़ी इधर उधर ना जाए हाई स्पीड में, मेन वर्क होता है ये, आपकी अपनी हेडलाइट आप शो कर सकते हो। तो अभी मैं इसमें सारी लाइटें जला के दिखाता हूँ, गाड़ी की ऑलमोस्ट खुली है शायद, उसकी ओपन है लाइटें, ठीक है। अब बंद करके दिखाऊँ तो ये आपकी बंद हो गई, ठीक है, और ये जला दी मैंने, यहाँ से ही सब कंट्रोल होंगे, यहाँ से ही आपके वाइपर्स कंट्रोल होंगे, ठीक है भाई, और ये पूरा आपका
गाड़ी को मैं थोड़ी सीट पीछे करता हूँ और आपके लिए पूरा गाड़ी की जो केबिन है ना वो आप चेकआउट करो। जो दे रखा है वो डुअल जोन एसी है। डुअल जोन एसी है, ठीक है। डुअल जोन एसी के लिए आपका ऑप्शन दे रखा है, जैसे आप डुअल का ऑप्शन दबाएंगे तो अपने हिसाब से आप टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकते हैं। कभी कभी कभार क्या होता है कि आपको टेम्परेचर अलग चाहिए, मुझे टेम्परेचर अलग चाहिए, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ इसी को, ये मेरा टेम्परेचर, ये मैं बढ़ा रहा हूँ अपना टेम्परेचर। देखो भाई बढ़ रहा है 24.5 और मेरा लो है, मतलब डुअल है। सर को ठंड लग रही है तो सर अपना कम कर दे, मुझे गर्मी लग रही है तो मैं बढ़ा लूँ। यार एक नंबर का फीचर है, थम्स अप लाइक कर दो यार, मतलब आपके लिए इतनी बेहतरीन और डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ तो सर लाइक सब्सक्राइब करना बनता है कि नहीं बनता है? सर बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। मैं एक खास फीचर और बताना चाहता हूँ जी सर, कि मैं कभी कभार सिंगल ड्राइव कर रहा हूँ और सर्दियों का फोग जम जाता है तो क्या होता है उसे चलाने में मुझे परेशानी होती है सिंगल देखने के। इसमें आपका ये बटन दे रखा है, ये दिखाएगा यहाँ पे, ये बटन दे रखा है। अच्छा अच्छा। मैं आप जैसे पुश करेंगे 10 सेकंड के बाद साथ में ये आपका हीट हो जाएगा और फोग जो या फिर बारिश की बूंदे या फोग जो भी होगा बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी, बिल्कुल मतलब आपको शीशे उतारने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल मतलब इससे कंट्रोल होगा। ये आप देख सकते हो फॉग का, मतलब कि वही वाला काम हो गया जो पीछे आपके डिफॉगर्स में काम आता है ना, वही वाला आपका काम हो गया। अब बात करते हैं गाड़ी के सनरूफ के बारे में, तो थोड़ा सनरूफ सर आप मुझे खोल के दिखाएं इसका। देखो भाई वन टच सनरूफ है, वन टच सनरूफ है, ये देखो भाई ये खुला और ये आपका पूरा फुल यहाँ से देखो मैं कंट्रोल होता है। अब आपने इसे देख लिया, देखो भाई आराम से हाथ निकाल सकते हो, अपना पूरा व्यू ले सकते हो। मतलब मैंने आपको, मैं खुद ऊपर नहीं गया, मैंने अपना मोबाइल ऊपर कर दिया और अब मैं इसे बंद करना चाहता हूँ तो सर मैंने इसे ऐसे कर दिया, देखो भाई वन टच है, ठीक है भाई वन टच आपका ही पूरा बंद हो गया। और आप चाहे तो इसे ऐसे खोल के भी जा सकते हैं और मस्त फीलिंग आ रही है, और चाहे तो आप इसे ऐसे करके बंद भी कर सकते हैं, और जो कि एक बहुत ही अच्छा है। और मैं तो गाड़ी यार जब भी लूँगा सनरूफ वाली तो ऐसे ही करके चलाऊँगा। तो और एक चीज़ है जो है स्टेयरिंग, स्टेयरिंग में आपको तीन मोड मिलते हैं, वो मैं सर से जानना चाहूँगा। मैं जहाँ तक जानता हूँ वो स्पोर्ट्स मोड होगा और एक आपका नॉर्मल है और एक कम्फर्ट है। मुझे स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी थी तो सर जरा बता दीजिए स्पोर्ट्स और कम्फर्ट किस में हेल्प करते हैं? इसमें आपका कम्फर्ट क्या है कि आप अगर सिटी में चलते हैं तो आप बिल्कुल कम्फर्ट लगा लीजिए, मोड देख रहे हैं स्टेयरिंग में आप पढ़ रहे हो ना आप लोग, स्टेयरिंग मोड कम्फर्ट और यहाँ से लगते हैं, ठीक है भाई। ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका स्पोर्ट है, पूरा आपको एमआईडी में शो होता रहेगा। आपको यहाँ से कंट्रोलिंग करना है और मतलब कि सर मैं आपसे क्वेश्चन है, मान लो जैसे मेरा कोई सब्सक्राइबर आप देख रहा है तो वो आपसे चाहे स्पोर्ट्स मोड में हमने डाल दिया तो गाड़ी की क्या इफेक्ट आएगा इसमें? गाड़ी की इफेक्ट ये आया कि अगर स्पोर्ट मोड में अगर आप चलाते जैसे 100 की ऊपर चला रहे 100 की स्पीड ऊपर चलाते हैं तो वहाँ पे चाहिए होती मुझे टाइट स्टीयरिंग, बिल्कुल सादा स्टीयरिंग चाहिए होती, तो ये टाइट हो जाएगा बिल्कुल आपकी टाइट स्पोर्ट्स मोड में भाई समझ लो टाइट। अब बात करते हैं कम्फर्ट की, कम्फर्ट में क्या होता है कम्फर्ट जोन में बिल्कुल आपको स्मूथनेस मिलेगी, आप एक उंगली से बिल्कुल आप आराम से मतलब ऐसे यार, ठीक 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 है, अभी कंफर्ट में ही है तभी ये घूम गया भाई। चेकआउट यार मतलब यहाँ कोई झूठ नहीं चल रहा है। यूट्यूब पे आदमी क्या करता है अपनी गाड़ी दिखाने के लिए बढ़िया बढ़िया करता है, पर सर ने जो ऐसा बोला और मैं तो जानता नहीं था, मैंने आपके सामने उंगली रखी और देख लो यार कंफर्ट मोड में लगी हुई है, स्पोर्ट्स में 100 की स्पीड से ऊपर हो तभी आपका ये स्पोर्ट्स में वर्क करेगा, ठीक है ना। तो थम्स अप भाई कर दो। हाँ सर ऑलमोस्ट बता दूं कि इसका जो क्रूज ऑलमोस्ट गाड़ियों में आता है वो आपका 50 या 60 के ऊपर लगता है, इसमें क्या 20-40 की स्पीड में आप अपना क्रूज कंट्रोलर लगा सकते हैं, मतलब और गाड़ियों में लगता है 50-60, इसमें आप 20-30 में ही लगा देंगे क्रूज कंट्रोल जो कि आपको गली अली में फायदा मंद देगा। तो भाई ये रहा आपका इंटीरियर की बात। अब बात करते हैं गाड़ी की सिटिंग प्लान में, हैंडरेस्ट मैंने आपको दिखा दिया है, ग्लो बॉक्स आप चेक कर लो, इसका ग्लो बॉक्स में आपको लाइटिंग मिलती है। सर ये कूलिंग वाला नहीं, कूलिंग वाला नहीं है, पर ये आपको यहाँ पे अपना आप ग्लास व्लास रख लो, ये आपका सनग्लासेस के लिए। गाड़ी में एसी वेंट्स मिलते हैं 1, 2, 3 और 4 भाई एसी वेंट्स हैं गाड़ी में आपके, ठीक है भाई। और ये आपका भगवान जी वगैरह की आपने कुछ भी ले सकते हो। सर गाड़ी में एयरबैग्स कितने हैं? सर सेफ्टी फीचर्स के बारे में हम बात करें तो एयरबैग इसमें 7 एयरबैग दे रखे हैं। हाँ आपको मैं एयरबैग 7 एयरबैग दिखा सकता हूँ, एक एयरबैग, ठीक है भाई, ड्राइवर को ड्राइवर साइड में एक आपका नेक पे दे रखा है, यहाँ पे एक ये दे रखा है, आप ये लिखा ठीक है, एयरबैग एक ये 3 और ए पिलर बी पिलर मतलब 4-5 और 6-7 मतलब भाई देख लो वो दिख रहा है ना आपको उधर, और एक ये 7 एयरबैग दे रखे हैं सर ने, खुलते हैं तो ये कंपनी ने मतलब कटनीट के साथ में खुलते हैं, ये कटनीट के साथ में साइड भी कवर करता है बिल्कुल। तो आपको गाड़ी सेफ्टी बारे मतलब सर एक नंबर, बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर, मतलब सेफ्टी बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो आप जा सकते हो, गो फॉर इट नाउ, अभी ले लो सर मैं तो कहूँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं बैठने के बारे में, फीचर्स मिले हुए ग्लोबल में से 5 स्टार मिले हैं, 5 स्टार मिला हुआ है, तो और क्या चाहिए? अच्छा ये मैंने छोड़ दिया था सर, वायरलेस चार्जर है? नहीं नहीं वायरलेस, तो ये अपना आपका वो रखने वाला है, जो 12 वोल्ट का चार्जिंग मिलता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग मिलता है आपको, ऑक्स का ऑप्शन मिलता है, यूएसबी का ऑप्शन मिलता है, और ये आपका चार्जिंग का मिलता है, एसी आपका ऑटो भी है और मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी सर ने बताया था ड्यूल वाला, ये रहा ड्यूल, बंद कर दिया ये आपने, यहाँ से बंद होगा ये सर,
ये बटन दे रखे हैं देखो, ठीक है। और ये आपका ऑन हो गया, जिससे कि आपको फीचर बता दिया था, ठीक है, ये आपको बता दिया था। अब एक चीज़ और है कि जो आपके स्टीयरिंग मोड कलर चेंज करते हैं वो जरा सर करके दिखाएंगे, बताइए सर। देखो भाई ये कलर चेंजिंग हो रही है इसमें, ये आप देख पा रहे होंगे इसमें, अभी इसमें चेंज करना लॉन्ग यूनिट चेंज 30 डिग्री पे, और यहाँ पर टेम्परेचर भी शो कर रहा है MID में, लॉन्ग एंटर क्लस्टर सेटिंग। तो कलर सेटिंग में हम चले गए हैं सर, यहाँ से सब कंट्रोल कर रहे हैं अपना, और आप यहाँ पे देख सकते हो ब्राइटनेस अपने हिसाब से कर लो, रात में जो कम ज़्यादा जैसा भी चाहिए। और ये आपका एग्जिट हो जाएगा, और ये आपका नाइट में आ गया मोड स्काई ब्लू। देखो भाई कलर चेंजिंग, भाई मतलब येलो था अभी ब्लू हो गया है, सब यहाँ से सेट हो रहा है आपका, ठीक है, मतलब एक नंबर का भाई, एक नंबर का। ये देखो यार कौन सा रेड कलर सर, कितने कलर में इसमें, इसमें आपको पांच कलर है। तो यार क्या चाहिए, मतलब यहाँ पे भी कलर यार एक नंबर है सर। ये भी चेंज होता है क्या? नहीं, यहाँ पे चेंज नहीं आपको इसमें मिलता है, जो कि एक नंबर का फीचर है। तो थैंक यू, ठीक है। और इस गाड़ी में फर्स्ट इन सेगमेंट जो चीज़ आई है वो है व्हील बेस। व्हील बेस इसका 2700 है, ये फर्स्ट इन सेगमेंट है। अब बात करते हैं थोड़ा बैठने की, तो सर से मैं कहना चाहूँगा आप जरा पीछे आके गाड़ी में बैठ के दिखाओ। तो सर आपके लिए घूम के आ रहे हैं, मेरा एक मेरे पास भाई भी है, वो भी आपको बैठ के दिखाएगा। ये पहले खोला अपना डोर, ठीक है सर, ये बैठ चुके हैं। देखो इसमें जो आपका स्पेस दिया है रूम का और हेडरूम का, तो सर आप पहले एक चीज़ बताओ, कंफर्टेबली बैठे हो? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी हाइट सर कितनी होगी? बिल्कुल मेरी है 5'4" 5'4" में साफ साफ बता दिया आपको सर ने, और सर का लेग रूम चेक करो जरा आप। देखो तीन लोग बड़े आराम से बैठ सकते हो, भाई को भी और आप भी। मेरे पास एक बंदा भी है भाई, आराम से जैसे बैठता है तू बैठ के दिखा, ठीक है। ये बैठ के दिखा रहे हैं मेरे बड़े भाई, जब आप भी बैठोगे। ये गाड़ी में थोड़ा हम्प दे रखा है, जो कि मैं मानता हूँ सर चाइल्ड के लिए बहुत बेस्ट है। 5-सीटर गाड़ी मतलब आपका अगर छोटा चाइल्ड है तो जा सकता है, नहीं तो लॉन्ग रोड के लिए बड़े 4 लड़के आराम से जा सकते हैं। और भाई जरा इधर आके आप बैठो आप कंफर्टेबली। भाई आपकी हाइट कितनी होगी? 5'6" है भाई, रिलैक्सली बैठे हो एकदम। तो सर ये आपका मेरे ख्याल से हैंडरेस्ट भी दे रखा है पीछे, लगाइए जरा। इसमें कप होल्डर भी है, देखो भाई कप होल्डर भी है, मतलब ये प्लस फीचर है। और दोनों मेरे बड़े भाई देखो बड़े आराम से बैठे हुए हैं, और ये डोर्स जरा और भी खुल जाते हैं देखो भाई, ठीक है। चेकआउट कर लो, दोनों बड़े भाई आराम से बैठे हुए हैं। तो भाई थैंक यू आने के लिए, आप लोग नीचे आ सकते हो आराम से। अब गाड़ी की बात करते हैं बोनट की, तो 3, 2, 1 मैं आपको इसके इंजन के बारे में बताने वाला हूँ। तो सीधा चलते हैं इसकी बोनट की तरफ। ये इंजन रहा, मैंने आपको बताया था, तो BS6 में है पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी आपको मिलती है। ये 1497 सीसी की गाड़ी है। ये टॉर्क इसका 300 Nm का है, पावर 115 BHP। एक प्रॉब्लम है वो गाड़ी ये पेट्रोल नहीं है, ये डीजल में है, डीजल में BS6 है, मैंने गलती से आपको पेट्रोल बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब गाड़ी में बात करते हैं व्हील बेस की, वो है 2600 का, लेंथ है 3995, ठीक है, विड्थ है इसकी 1821, और इसकी जो वेट गाड़ी में है वो है 1627, और जो टैंक है 42 लीटर का इसका टैंक हैगा। तो मतलब को आप चेकआउट कर सकते हो इसे पूरा, ये आपका इंजन है 1400 प्लस सीसी की ये गाड़ी मिलती है आपको। और ये आपको मिलता आएगा साउंड के लिए सर, जो इंजन की साउंड को ये कंट्रोल करता है। इसका सर कुछ है नाम वगैरह या कुछ, इसमें कुछ ऐसा हो सर आप चेक कर सकते हो। ये आपका ऐसा बोनट देखने में है। तो यार गाड़ी बताओ कैसी लगी, तो अभी मैं इसको बंद करके बताता हूँ गाड़ी की। ये मैंने बताई थी डेलाइट रनिंग लेंस जो आपको जल्दी हुई दिख रही होंगी, ठीक है, ये है पूरा मैंने आपके लिए ओपन करवाया है। अब सर प्लीज़ ज़रा हॉर्न जाके दिखा दीजिए आप गाड़ी का, कैसा इसका हॉर्न है वो भी मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। सर ने बजाया हॉर्न, सर गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं आपके लिए एक बार और। तो भाई थम्स अप, मतलब कि बहुत मस्त हॉर्न है इसका, ठीक है। ये आपका पूरी गाड़ी को अपना चेक कर सकते हो इसे आराम से। और ये रही आज की वीडियो, पूरा डिटेल वीडियो है, मैंने आपको डायमंड कट एलॉय व्हील पूरा आपको दिखा दिया है। मैंने गाड़ी को मैं पास से और दूर से पूरा चेकआउट करा दूंगा मैं आपको बैठे हुए। पूरा गाड़ी को हम ले चलते हैं अभी पीछे ओवरव्यू। तो ये रही XUV 300। तो अब पूरी वीडियो मैंने आपको दिखा ली थी, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो सर मतलब पहले तो बात कर लेता हूँ आपको, मतलब जो भी वीडियो देख रहा है उसे कहाँ आना, सबसे पहले आपको आना है राजीव मतलब क्योंकि आपके पति आजाद जन पे मतलब गूगल पर अपनी लोकेशन है जी, तो आप गूगल पे जा सकते हो, गूगल पे आपकी लोकेशन सीधी सीधी दे रखी है, वहाँ पे आप सर्च करना जो भी सर ने आपको बताया। सर एक मिनट अपना फोन नंबर बता दीजिए आप धीरे धीरे। मेरा नाम नरेंद्र, मेरा मोबाइल नंबर है 9720105। सर ने अपना नाम भी बता दिया, फोन नंबर भी बता दिया, यहाँ आप आ सकते हो, सर से मिल सकते हो, सर बहुत ही अच्छे से असिस्ट करेंगे, बस भाई तंग करने के लिए कॉल मत करना, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप देव का चैनल सब्सक्राइब करें सर। थैंक यू सर, मतलब सर ने भी दिखाया तो आप सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। तो सर एक बार वीडियो में आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ठीक है, बाय बाय।